5,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट और ये चल रहा है बजाज की पल्सर 150 सिंगल सीट सिंगल डिस्क सेकंड टॉप मॉडल कार्बन एडिशन पर, क्योंकि ये E20 OBD2 वाला मॉडल नहीं है इसलिए ये बाइक आपको 5,000 के डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। एक्सशोरूम की अगर मैं बात करूं तो 1,18,200 रुपये के आसपास एक्सशोरूम कीमत है और इसकी ऑन रोड कीमत है 1,39,725 रुपये और 5,000 फ्लैट डिस्काउंट करने के बाद ये बाइक आपको ऑन रोड मिल जाएगी मात्र 1,34,725 रुपये की। तो चलिए अब जानते हैं बाइक के फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको 15 लीटर का मेटल बॉडी का टैंक मिलता है, इसके ऊपर में आपको टैंक पैड मिल जाता है, नया कलर आपको मिल जाएगा जिसमें थोड़ी सी शाइनिंग आपको दिखाई देगी, पल्सर का सिल्वर कलर में 3D में लोगो है, नए ब्लू कलर के ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं जिसमें थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच का इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो पैनल आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टिकर आपको मिलेगा छोटा सा कार्बन फाइबर टच के साथ। काउल के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 150 का स्टिकर है, नीचे भी आपको डुअल टोन कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अब इस बाइक को खरीदने का पहला सबसे बड़ा रीजन हो सकता है वो है इसके कंसोल फीचर्स, जैसा कि इसमें आपको क्लिप ऑन स्पोर्टी हैंडल बार मिल जाती है जो इस सेगमेंट की बहुत ही कम बाइक में आपको देखने को मिलेगी। इसमें सेमी डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिलता है, इसका RPM मीटर आपको एनालॉग में मिलेगा, यहाँ पर RPM लिमिट, चेक इंजन की लाइट है, टर्न इंडिकेटर, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, हेडलाइट, ABS, यहाँ पर आपको DTE मिल जाता है, डिस्टेंस टू MT मिल जाता है, डिजिटल फ्यूल गॉज मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, रियल माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, सर्विस ड्यू रिमाइंडर मिल जाता है। 123 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास इसमें आपको हाईएस्ट टॉप स्पीड भी मिल जाती है जो FZS, जिक्सर 155, होंडा की यूनिकॉर्न जैसी बाइक को पीछे आसानी से छोड़ जाती है। माइलेज की बात करें तो 45 से 50 के बीच में ये मोटा मोटी आपको आसानी से माइलेज दे देती है ऑन हाईवे पर। मिरर आपको वही थोड़े से पुराने वाले मिलेंगे, यहाँ पर पासिंग, अपर डिपर, इंडिकेटर, हॉर्न, जो क्लच है वो थोड़ी सी लाइट है, बार एंड भी आपको मिल जाते हैं मेटल बॉडी के साथ, यहाँ पर इंजन किल, नीचे में सेल्फ स्टार्ट। सबसे पहले इंजन के साउंड को सुने, यह है इंजन साउंड। इस बाइक को खरीदने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन हो सकता है इसका स्पोर्टी लुक और हैवी डिजाइन, जैसा कि आप इसकी टंकी को देखोगे या फिर इसके वाइजर को देखो, चाहे इसके टायर को देखो, चाहे इसके इंजन को देखो, चाहे इसकी सीट को देखो, चाहे इसके पीछे वाले सेक्शन को देखो, कहीं से भी बाइक को आप उठाकर देख लो पूरी की पूरी गोल मटोल सी मतलब कि भरी हुई नजर आती है, कहीं भी आपको जो हिस्सा है बाइक का कहीं भी आपको खाली खाली नजर नहीं आता है। और इसकी वजह से ना लोग इसको ज़्यादा मतलब पसंद भी करते हैं 150 सीसी या 160 सीसी की जितनी भी बाइक आती हैं, क्योंकि इस बाइक की जो रोड प्रेजेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है अन्य बाइक के मुकाबले में। बाकी फ्रंट में चलते हैं तो यहाँ पर आपको 31mm के टेलीस्कोपिक कन्वेंशनल फॉर्क आपको मिल जाते हैं, आगे वाला जो मडगार्ड है यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच आपको मिलता है, ब्लू कलर के स्टिकर, सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, 260mm की डायमीटर की डिस्क ब्रेक के साथ में, 8017 प्रोफाइल का ट्यूबलेस टायर मिलता है 17 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय के साथ में। आते हैं बाइक के फ्रंट में तो ऊपर वाला जो वाइजर आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा गोल मटोल है और साइज में भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, यहाँ पर बजाज की बैजिंग आपको मिल जाती है और दो छोटे छोटे हेलोजन पायलट लैंप आपको मिल जाते हैं, नीचे में 35 वाट के हेलोजन के साथ आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है, साथ में जो इंडिकेटर हैं वो आपको फुली फ्लेक्सिबल मिलते हैं जिसमें टूटने का कोई भी खतरा नहीं है, और ब्लू कलर थोड़े से कार्बन फाइबर टच के साथ यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इस बाइक को खरीदने का तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि पहला तो इसमें आपको किक मिल जाती है, दूसरा इसमें आपको DTSI टेक्नोलॉजी वाला ट्विन स्पार्क वाला यहाँ पर आपको पावरफुल इंजन मिलता है जो 149cc का एयर कूल्ड फोर स्ट्रॉक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है जो 14 PS की पावर देता है 8,500 RPM पर और 13.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है लगभग 6,000 RPM पर। ZS 150, जिक्सर 155 और यूनिकॉर्न 160 जैसी बाइक के इंजन से जो पावर है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है और इसका जो टॉप स्पीड है वो भी उन बाइक से थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि ये टॉप एंड में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है। इसमें 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है,
और जो इंजन गार्ड है वो भी आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के मिलते हैं। स्प्लिट यहाँ पर आपको क्रैश गार्ड मिलता है, डुअल हॉर्न मिल जाता है, कैटालिटिक कन्वर्टर, ऑक्सीजन सेंसर, बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा आपको स्पोर्टी मिलता है। सेंटर में आपको एकदम बाइक के फुटपैक्स मिलते हैं, जिससे बाइक को आप चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा झुकने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस बाइक को ख़रीदने के चौथे रीजन की अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक की जो सीट है वो काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर आपको मिल जाती है, जिसमें दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 785 mm की सीट हाइट मिल जाती है। इस बाइक को चलाने के लिए अगर आपकी हाइट 5 feet 3 inches के आसपास है तो बड़े ही प्यार से आप इसको राइड कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर 150 का स्टिकर मिल जाता है, ब्लू कलर और थोड़े से कार्बन फाइबर टच के यहाँ पर आपको ग्राफिक्स भी मिल जाएंगे। पीछे में सिंगल पीस ग्रैब हैंडल मिलता है, इसके टॉप वाले मॉडल में स्प्लिट वाला ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। बाइक की जो टेल लाइट है वो देखने में तो अच्छी लगती है और लोग आज भी इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर आपको मिल जाएगा, नंबर प्लेट के लिए भी आपको सेपरेट लाइट मिल जाएगी, फुली फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं जिसमें टूटने का कोई भी खतरा नहीं है, लंबा चौड़ा सा मडगार्ड आपको मिलता है, एक लॉन्ग सा यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है जिसके ऊपर में ब्लैक कलर का मैट फिनिश में मफलर गार्ड दिया गया है, थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाती है जिससे पैर वगैरह आपके टच ना हो, एडजस्टेबल फुटपैक्स आपको मिलते हैं, एंड्योरेंस के यहाँ पर आपको नाइट्रॉक्स कैनिस्टर वाले एडजस्टेबल सस्पेंशन का सेटअप मिल जाता है। पीछे में 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है, साथ में सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको RLP सेंसर मिल जाता है। अगर आप अचानक से आगे वाली ब्रेक को दबा देते हैं तो होता यह है कि कभी कभी अचानक से ब्रेक दबाने पर जो पीछे वाला व्हील है वो उठ जाता है, तो ये सेंसर इसलिए लगाया है कि इमरजेंसी ब्रेक दबाने से जो पीछे वाला टायर है वो बिल्कुल भी ना उठे। 190/17 का प्रोफाइल का ट्यूबलेस टायर आपको मिलेगा, 17 inches के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील के साथ में, बाकी 100 mm इसकी मोटाई है। अगर आप इसमें टॉप मॉडल में जाते हैं तो 120 mm चौड़ा टायर आपको मिल जाता है। चलते हैं बाइक के साइड प्रोफाइल की तरफ, तो यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का सार्डी गार्ड मिल जाता है, यहाँ पर पैर रखने के लिए भी आपको जगह मिल जाएगी, एडजस्टेबल फुटपैक्स मिल जाते हैं, मेटल बॉडी का चेनसेट कवर मिलता है। गियर पे आ जाते हैं तो इसमें आपको 5-speed गियर बॉक्स मिल जाता है, पहला डाउन और 4 up है, मतलब कि आगे वाला ऐसा डलता है, 4 ऊपर डलते हैं। इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है, टंकी के अंदर में फ्यूल पंप पड़ी हुई है। अब इसमें ये होता है कि कम से कम आपको इसमें 1 to 1.5 liters पेट्रोल आपको रिजर्व करके रखनी पड़ेगी। अब इस बाइक को ख़रीदने का सबसे बड़ा 5वां मुख्य कारण है इसका प्राइस पॉइंट और इसका लुक्स। अब प्राइस पॉइंट की बात करें तो मात्र 1,34,725 rupees में आप इस बाइक को ख़रीद सकते हैं, रोल्टा बजाज बाबूहाटी VIP रोड कोलकाता शोरूम से। ये E20 OBD2 वाला मॉडल नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि भाई अगर आप इस बाइक को FZS से कंपेयर करोगे तो जो FZS है वो आती है 1,54,000 rupees की, और जो होंडा की यूनिकॉर्न है वो आती है 1,35,000 rupees की, और जो जिक्सर 155 है वो आती है 1,75,000 rupees की। अब देखा जाए तो कम प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक मिल जाता है, और उन तीनों बाइक के मुकाबले इस बाइक के इंजन में आपको थोड़ी सी जो पावर है वो ज़्यादा मिल जाती है। अगर आप कोलकाता हावड़ा हुगली आसपास से हैं और बजाज की कोई भी बाइक लेना चाहते हैं तो आप रोल्टा बजाज बाबूहाटी VIP रोड कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बजाज की सारी बाइक मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें।